मुश्किल घड़ी में भी कोटेदार डाका डालने से बाज नहीं आ रहे, कार्ड धारकों ने थाना पुलिस से की मामले की शिकायत। बरेली के कस्बा फतेहगंज में राशन कार्ड धारकों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक यूनिट को 5 किलो राशन वितरण करने का प्रावधान है, किंतु कोटेदार अपनी मनमानी के चलते प्रत्येक यूनिट को 4 किलो राशन ही वितरण कर रहे हैं, जो कि खुले आम जनता के हक पर डाका डालने के समान है। उक्त मामले का विरोध करने पर कंधई गुप्ता, थोरी लाल, मुन्ना लाल, राजेश कुमार आदि कोटेदार कार्ड धारकों से अभद्र व्यवहार करते हैं। वहीं कंधई गुप्ता की पत्नी तो राशन लेने आए कार्ड धारकों से झगड़ करने के साथ अश्लील गालियां देते हुए डंडे फटकारती है। इसके अलावा यह भी ज्ञात हुआ है कि कोटेदारों द्वारा प्रत्येक यूनिट पर दिया गया 4 किलो राशन में भी घट तौली की जा रही है, जिससे लोगों में भारी रोष व्याप्त है। आज मोहल्ला जमींदारान में रहने वाली एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने कोटेदार कंधई गुप्ता द्वारा राशन न बांटने की शिकायत थाने जाकर की, जिस पर 2 घंटों बाद थाना पुलिस ने राशन बंटवाया। तहसील फरीदपुर क्षेत्र में स्थित लगभग सभी कोटेदार इसी तर्ज पर घटतौली कर ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं। कृत्य कार्य में खादी और अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। कोरोना से बचाव में कोटेदारों की दुकानों पर राशन खरीददार द्वारा डिस्पेंशन की भी धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। कोटेदार आप ही हैं? जी। तो लोगों की शिकायत है 4 किलो गल्ला दे रहे हैं आप, भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? 35 किलो लगातार पूरा गल्ला दे रहे हैं। अभी गल्ला लेके जो गए हैं नहीं, सभी कार्डों का बताइए, उस पर 5 किलो के साथ दे रहे हैं। वही तो बता रहे, कुछ लोग कहना है 4 किलो ही गल्ला दे रहे, तभी सूचना मिली है, इसीलिए हम लोग क्षेत्र में निकले हुए हैं। हमने जो है अभी एक लोगों से पूछा, 25 किलो हुआ, आधा कितने किलो गल्ला मिल रहा है आप लोगों के लिए? 24 किलो, 4 किलो कम दे रहे हैं ना, 35 या 34 दे रहे थे, 35 या 34। प्रत्येक यूनिट कितना मिल रहा है? 5 किलो कितना दे रहे हैं? 1 मिनट 5 किलो दे रहे हैं। 1 मिनट 5 किलो तो 2 किलो कट गया। 1 मिनट 3 किलो कितना मिलता है गल्ला? 1 मिनट। क्या नाम है आपका? रविंदर। यही रहते गांव में, हरेली में? कितने यूनिट गल्ला है ये? 5 मिनट। 20 किलो दिया है?